प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्कार, मेरा नाम है महेश पलावत, आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर। यह है देश भर का मौसम पूर्वानुमान। तो इस वीडियो की शुरुआत हम उत्तर भारत से करेंगे कि काफी दिनों के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ जम्मू कश्मीर को प्रभावित करेगा। जम्मू कश्मीर के साथ साथ वो उत्तराखंड तक बारिश की गतिविधियां देगा और अच्छा स्नोफॉल देगा, यानी कि ये पहला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो काफ़ी दिनों के बाद अच्छा स्नोफॉल दे सकता है और इसका जो इम्पैक्ट है वो उत्तर भारत पर भी देखने को मिलेगा, खास करके पंजाब के उत्तरी जिलों के साथ साथ पूर्वी हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली NCR में भी बूंदाबांदी हो सकती है। एक नया जो लो प्रेशर एरिया अरब सागर में विकसित होने वाला है वो वहाँ से एक ट्रफ रेखा आएगी महाराष्ट्र और साउथ गुजरात होते हुए पश्चिमी मध्य प्रदेश तक, यानी कि ये सारे जो ये दोनों वेदर सिस्टम हैं इनका जो वो होगा कन्फ्लुएंस होगा, उसके कारण जो उत्तर भारत में बारिश होगी और मध्य भारत में भी बारिश की गतिविधियाँ होने वाली हैं। तो ये जो बारिश की गतिविधियाँ हैं ये बहुत ज़्यादा नहीं होंगी उत्तर भारत में, हालांकि जो स्नोफॉल है वो काफ़ी अच्छा होने की संभावना है और इसके तुरंत बाद यानी कि 4 दिसंबर के बाद से एक बार फिर 4 दिसंबर की रात से एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा जो इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और 5 और 6 दिसंबर को जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के कई भागों में बहुत अच्छा स्नोफॉल देखने को मिल सकता है और कई इलाकों में तेज़ बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है, यानी कि ओले गिरने की भी संभावना है। उत्तराखंड में 6 दिसंबर को अच्छा स्नोफॉल और बारिश होने की संभावना नज़र आ रही है। ये जो स्नोफॉल होगा इससे जम्मू श्रीनगर हाईवे जो है वो बाधित हो सकता है, यानी कि वहाँ पर जो यातायात है उसमें रुकावट आ सकती है क्योंकि बर्फबारी जब होती है तो वो ब्लॉक हो जाता है और उसी तरह कई और जो रोड्स हैं वो भी ब्लॉक हो सकती है, लेकिन आप ये जो स्नोफॉल है उसका आनंद उठा सकते हैं। ये पूरे इलाके में बहुत अच्छा स्नोफॉल होगा और जो 5 और 6 दिसंबर को बारिश होगी वो उत्तराखंड के साथ साथ जो पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, इस इलाके में मूसलाधार बारिश होगी, कई इलाकों में ओलावृष्टि भी हो सकती है, यानी कि पंजाब हरियाणा के साथ साथ दिल्ली NCR में भी बारिश की संभावना नज़र आ रही है। उत्तरी राजस्थान में यानी कि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, अलवर और ये भरतपुर, ये सारे इलाकों में बारिश की संभावना हमें नज़र आ रही है और उसी तरह से उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों में यानी पश्चिमी भागों में अच्छी बारिश होगी, यानी मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, बहराइच और इसके साथ साथ बरेली, मुरादाबाद, रामपुर, इन इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। आगरा, अलीगढ़, एटा, हाथरस, मथुरा, इन इलाकों में भी हल्की बारिश की संभावना हमें नज़र आ रही है। दिल्ली NCR में भी काफ़ी दिनों के बाद बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी जिससे जो पॉल्यूशन है उससे छुटकारा मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं मध्य भारत की। तो मध्य भारत में जो मध्य प्रदेश है, क्योंकि जो ट्रफ रेखा है अरब सागर से वो वहाँ तक आएगी, तो मध्य प्रदेश के जो पश्चिमी ज़िले हैं खास करके आप अगर देखेंगे तो ग्वालियर, दतिया, मुरैना, शिवपुरी, शाजापुर और उसके बाद उज्जैन, रतलाम, नीमच, धार, खांडवा, खरगोन, इंदौर, भोपाल, इन सारे इलाकों में बारिश होने की संभावना है। हालांकि बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होगी, हल्की बारिश ही होगी, लेकिन अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। ये जो बारिश होगी ये 5 और 6 दिसंबर को नहीं होगी, ये पहले वेदर सिस्टम से होगी जो 1 तारीख और 2 तारीख को होने वाला है, यानी कि 30 तारीख से ही जो बारिश की गतिविधियाँ गुजरात में शुरू हो जाएंगी, लेकिन 1 और 2 दिसंबर को गुजरात के जो दक्षिणी ज़िले हैं और पूर्वी ज़िले हैं, अमरेली से लेकर के राजकोट, भावनगर, सूरत, वलसाड़, पंचमहल, डांग और अहमदाबाद, बड़ोदरा और गांधीनगर, इन सारे इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश होगी जो 2 तारीख तक जारी रह सकती है और जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के जो मुंबई और उसके आसपास के इलाके हैं और कोकण एंड गोवा और मध्य महाराष्ट्र में 30 तारीख की यानी कि आज की शाम से बारिश की गतिविधियाँ शुरू हो सकती हैं। शुरुआत में हल्की बारिश होगी, 1 और 2 तारीख को बारिश की गतिविधियाँ बढ़ जाएंगी, 2 तारीख की सुबह या दोपहर तक मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में अच्छी बारिश हो सकती है, कई इलाकों में मूसलाधार बारिश होगी, 60 से 70 या 80 मिलीमीटर की बारिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता, यानी कि मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में जलभराव और फ्लैश फ्लड आ सकता है, आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा। 1 तारीख सबसे ज़्यादा क्रूशियल है कि 1 दिसंबर को इस इलाके में बारिश की गतिविधियाँ ज़्यादा हो सकती है। विदर्भ और मराठवाड़ा में बारिश की गतिविधियाँ कम होंगी, कोकण एंड गोवा में ज़्यादा होगी, पूर्वी मध्य प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियाँ ना के बराबर होंगी, यानी कि सीधी, सतना, सिंगरौली, पन्ना, उमरिया, दमोह, कटनी, जबलपुर, मांडला, ये सारे इलाके लगभग शुष्क रहेंगे, हालांकि बादल छा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में भी बारिश की संभावना हमें नज़र नहीं आ रही है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बारिश नहीं होगी, यानी यह हो गया
मध्य भारत और पूर्वी भारत की अगर बात करें तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल ये सारे इलाके लगभग शुष्क बने रहेंगे। इसमें कोई भी वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं देने वाली है। पूर्वोत्तर राज्यों में भी बारिश की गतिविधियां ना के बराबर है, यानी कि मौसम शुष्क बना रहेगा। हालांकि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बांग्लादेश के ऊपर बना हुआ है, लेकिन ये शुष्क है, इसमें कोई मॉइस्चर फीड जो बंगाल की खाड़ी से आने चाहिए वो नहीं आ रहा है, इसलिए इस इलाके में बारिश नहीं होगी। एक नया वेदर सिस्टम बन रहा है जो लो प्रेशर एरिया साउथ अंडमान सी में बना है। ये अब क्या होगा, धीरे धीरे डिप्रेशन की में तब्दील हो जाएगा, डीप डिप्रेशन भी बन सकता है। लेकिन जैसे पहले लग रहा था कि साइक्लोन बन सकता है, लेकिन क्योंकि काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, साइक्लोन बनने के लिए क्या होता है कि 4 या 5 दिन किसी निम्न दबाव के क्षेत्र को ये समुद्र में रहना जरूरी होता है, जिससे उसको फीड मिलता रहता है, मॉइस्चर फीड वगैरह मिलती रहती है। उसके कारण क्या होता है कि ये ज़्यादा सशक्त होता है। तो हमें लग नहीं रहा कि साइक्लोन बनेगा, चांसेस काफ़ी कम है, लेकिन डीप डिप्रेशन या डिप्रेशन जरूर बनेगा और ये उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए उत्तरी आंध्र प्रदेश के तट और उड़ीसा को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगा। तो उड़ीसा में 3 और 4 तारीख के बीच में अच्छी बारिश होगी, आंध्र प्रदेश में के उत्तरी जिलों में यानी कि विजयनगर, श्रीकाकुलम, काकीनाड़ा और उसके आसपास के इलाकों में तेज़ बारिश होने की संभावना है। और जो उड़ीसा के ज़्यादातर इलाकों में भारी बारिश हो सकती है, गंगे पश्चिम बंगाल में भी 6 और 7 तारीख को बारिश होगी और उसके बाद ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ चला जाएगा। यानी कि जो वेदर एक्टिविटी है इस इलाके में बहुत ज़्यादा इस वेदर सिस्टम के कारण देखने को मिलेगी। अब दक्षिण भारत में चलते हैं। तो दक्षिण भारत में जो लो प्रेशर एरिया एक के बाद एक बन रहे थे, उससे मूसलाधार बारिश हुई थी, चेन्नई और उसके इलाकों में बहुत तेज़ बारिश हुई थी, लेकिन अब बारिश की गतिविधियाँ कम हो चुकी हैं, चेन्नई वगैरह में काफ़ी कम हो गई है। तमिलनाडु में आंतरिक जिलों में अभी भी बारिश चल रही है। आज आंतरिक तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका में बारिश की गतिविधियाँ जारी रहेंगी और उसके बाद धीरे धीरे कमी आ जाएगी। तेलंगाना में भी छुटपुट बारिश की गतिविधियाँ हो सकती हैं। तो यानी कि कुल मिलाकर के जो हैवी स्पेल था साउथ पेनिनसुला में वो कम होने वाला है और जो अगला वेदर सिस्टम बनेगा, डिप्रेशन बनेगा, वो आंध्र प्रदेश के उत्तरी तट को ही प्रभावित करेगा। उससे तमिलनाडु को खतरा नहीं है, केरल को भी खतरा नहीं है। कुल मिलाकर के अब जो वेदर एक्टिविटी है लगभग पूरे भारत को प्रभावित करेगी। केवल पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में अगले 3-4 दिन बारिश नहीं होगी, उसके बाद ये जो डिप्रेशन आएगा इसके प्रभाव से पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में भी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। इसके आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको आगे बताएंगे। क्लाइमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।